फाइनली आ गए हैं जाइका पे। बैल में कितनी प्यारी आवाज आ रही है हवा के, उससे वही आ गए हमारे पकोड़े। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलने पे हमें मिलेगा जाइका। जाइका मस्त खाना है ना, बढ़िया एकदम। चलो भाई, भाई लोकल है, भाई बढ़िया सजेस्ट किया है, तो जाइका पे चलते हैं और भाई अपना लंच लेते हैं। तो भाई तो फाइनली आ गए हैं जाइका पे, और ये है भाई जाइका इन कसोली। पार्किंग थोड़ी रिस्की है भाई। तो भाई अब आ गए जाइका कसोली में, आज लंच यहाँ करते हैं, देखते हैं कैसा खाना है इसका। और भाई ये मेन्यू है इसका पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और भाई वेज नॉन वेज दोनों है। ये देखो भाई स्पेशल में ये है, और ये देखो, और ये देखो भाई बैल में कितनी प्यारी आवाज आ रही है हवा के, उससे आप आवाज सुनो। भाई कानों में आ रही है ना, इतनी प्यारी लग रही है यार ये आवाज। चलते हैं अंदर भाई। इस तरीके से टेबल है, बहुत अच्छा बना रखा है यार, बैठे हैं। और भाई ये व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छी लोकेशन पे है यार। तो अभी खाना देखते हैं कैसा है, यहाँ बैठते हैं भाई। भाई आ गए हमारे पकोड़े। तो भाई तो ये है अपना दाल, ये है पालक पनीर। भाई तो अब करते हैं खाना शुरू, और खाना खत्म करने के बाद मिलते हैं आपसे। ओके भाई अब खाना खाते हैं। भाई खाना हो गया अपना फिनिश, अभी अभिषेक खा ही रहा है। खाना बहुत ही बढ़िया था और बेहतरीन था। चलो भाई हमने लंच कर लिया है जाइका में, खाना बहुत ही बेहतरीन था यार, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और हमने डिसाइड किया हम जा रहे हैं चायल। चायल में हम जहाँ जहाँ घूमेंगे, जहाँ हम जाएंगे वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, और कैसे आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो। सो लेट्स गो, चायल चलते हैं। कसोल से जा रहे हैं चायल, दोबारा टैंक फुल कराने की जरूरत पड़ी, तो देखते हैं भाई अब कितने में होगा। तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि गाड़ी कितने की एवरेज देती है और गाड़ी कितना तेल पीती है, तो उस हिसाब से आप बजट बना के चल पाओगे। और भाई 1600 का आ गया है दोबारा पूरा। तो अब चलते हैं भाई, गो टू चायल। तो भाई तो अभी जा रहे हैं हम जो शिमला का नया हाईवे बना है उस हाईवे से। तो यार हाईवे कैसा है और वहाँ से व्यू कितना बढ़िया दिख रहा है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो शेयर करते हैं यार। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यार कितना बढ़िया है। अब सारा डबल रोड हो गया, जो भी शिमला तक रास्ता है चंडीगढ़ से शिमला का, सारा डबल रोड हो गया और पूरा पहाड़ काट के बनाया। तो अभी मैं हाईवे दिखाता हूँ आपको, और वहाँ से व्यू और यार उसको फील करना, बहुत अच्छा हाईवे बनाया है।